सोलन में पहुंचते अराजपत्रित सड़क कर्मचारी पेंशनर्स श्रमिक व युवा बेरोजगार मोर्चा अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जयराम सरकार ने अभी तक के कार्यकाल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी प्रदेश सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है, जिसकी वजह से सभी कर्मचारी बेहद आहत है। अगर समय रहते भाजपा सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो उन्हें दुर्गामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं उन्होंने पूर्व भाजपा अध्यक्ष खिमी राम के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि अब लगता है भाजपा की उल्टी गिनती आरंभ हो गई है। देखिए, सवाल यह है कि वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप और सरकार में मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, ये अपने लोगों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। पता ही नहीं कुछ चल रहा है इनको कि क्या हो रहा है। आज खीमीराम का कांग्रेस में जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और उनका अच्छा प्रदेश में एक जाना पहचाना चेहरा है और वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के भी अच्छे गिने जाते हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छा संबंध उनका रहा, परंतु वर्तमान सरकार में उनकी पूछ नहीं हुई, उनको पूछा तक नहीं गया, इसलिए घुटन महसूस कर रहे थे। आज वो कांग्रेस में चले गए हैं तो इसका लाभ तो कांग्रेस को तो मिलेगा क्योंकि वो पावरफुल आदमी हैं, पूरे प्रदेश में उनका जो है जनाधार है। गुलाब सिंह ठाकुर पूर्व मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, रविंदर रवि पूर्व मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनका जनाधार भी है। तो आप बताइए, आज वो भी सड़क पे ला दिए सरकार ने, वो भी धूमल के ही समर्थक थे, धूमल के साथ चले वो, आज वो सड़क पे हैं, उनको भी टिकट नहीं मिलेगा। तो वो भी, उन्होंने भी तो अपनी ज़मीन देखनी है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी जाना है। और दर्जनों नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो घुटन महसूस कर रहे हैं। आप देखिए, सरकार ने वाइस चेयरमैन जो बनाए हैं ये ढेले के नहीं हैं, इनकी कोई पकड़ जो है प्रदेश के लोगों पर नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब भी समय समझ जाओ, अन्यथा नहीं तो ये कुछ नहीं मिलने वाला, ना कुछ होने वाला है। मैंने पीछे भी कहा था कि नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से है, तो अगर नड्डा जी भी बैठ जाएंगे यहाँ पर तब भी कुछ होने वाला नहीं है। आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी में लोग जा रहे हैं और उनको समर्थन कर रहे हैं, मतलब पूरे प्रदेश में ये माहौल चला है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, दूसरी जगह जो वहाँ कांग्रेस जनाधार नहीं है, पंजाब में जनाधार नहीं है, परंतु हिमाचल प्रदेश में तो कर्मचारी और पेंशनी जनाधार बदल देंगे। कर्मचारियों पेंशनों को ही यहाँ हिमाचल में सरकार बनाते हैं और सरकार ही गिराते हैं। कि जो हमने पिछले कल हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशन श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो है सरकार को 14 अगस्त का नोटिस सर्व किया है कि 14 अगस्त 2022 से पहले जो है सरकार कर्मचारियों की मांगों और पेंशनों की मांगों को लागू करे, अन्यथा नहीं तो 16 अगस्त को हम डंका बजा देंगे। हम डंका ये नहीं बजाएंगे, हड़ताल करेंगे या रास्ते रोकेंगे, ये नहीं करेंगे, हम राजनीतिक लड़ाई का ऐलान जो है करेंगे।